दर्जनों महिलाओं के नाम पर लोन की, करोड़ों रुपए लेकर फरार हुई दंपति ठग, दर्जनों महिलाएं ठगी की हुई शिकार। प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के जाल में फंसी दर्जनों महिलाएं, कंपनी ठगी शिकार महिलाओं पर लोन रकम वापस करने का बना रहा दबाव। ठगी शिकार महिलाओं ने पुलिस से की लिखित शिकायत। धनबाद जिले में इन दिनों प्राइवेट कंपनी बैंक से ठग दूसरों के नाम पर लाखों रुपए के लोन ले रहे हैं। प्राइवेट कंपनी बैंक जानबूझकर लोन लेने वाले लोगों के पहुंचे बिना ही लोन की रकम पास कर भुगतान कर देते हैं। ठग लोन की रकम लेकर फरार हो जाते हैं और लोन रकम देने वाले बैंक के अधिकारी कर्मी रकम वापसी का दबाव पीड़ित ठगी शिकार लोगों से करते हैं। ताजा मामला तेतुलमारी थाना क्षेत्र की घटित हुई है, जहां 100 से अधिक महिलाएं ठगी की शिकार हुई हैं। पीएसपी मैदान की रहने वाली अनीता देवी और उसके पति मनोज गुप्ता सहित अन्य साथी करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। ठगी के शिकार दर्जनों महिलाएं इसकी शिकायत तेतुलमारी पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भुक्तभोगी महिलाओं ने बताया कि लगभग 15 वर्षों से लोन फाइनेंस करने वाला उज्जीवन, समसता, बंधन, आंसू वंदना जैसे बैंकों से तेतुलमारी पीएसटी की रहने वाली अनीता देवी महिलाओं को लोन दिलाने का काम किया करती थी। लोन लेन देन का काम वर्षों से चल रहा था। महिलाओं ने कहा, अनीता के पति मनोज गुप्ता 2-3 महिलाओं को ले जाकर बैंक वालों से संपर्क करता था और पति के जगह पर मनोज अपना ही साइन कर देता था। बैंक के कर्मी से जब यह कहते थे तो जान पहचान होने की बात कहकर चुप करा देते थे। वर्षों से लोन दिलाने का काम दोनों पति पत्नी करते आ रहे थे। बेटी की शादी करने का नाम पर ठग दंपति महिलाओं के नाम लोन सेंशन करवा लेती थी। 100 से अधिक महिलाएं ठगी के शिकार हुई हैं। प्रत्येक महिला के नाम पर 2-3 लाख का लोन ली है। इस तरह दर्जनों महिलाओं के लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। महिलाओं ने कहा, लोन दिलाने वाली अनीता देवी और बैंक प्रबंधन के साठगांठ के साजिश का शिकार हुए वे लोग हुई हैं, जिसकी शिकायत सभी ने पुलिस से की है। गई है बिना साइन का, कहां से पैसा आप लोग मिलता था? आप लोग समस्ता आशीर्वाद जीवन मित्र फाइनेंस से लोन द्वारा, हाँ लोन द्वारा प्राइवेट कंपनी से। और आज एजेंट हम लोग के पास आता है, बोलता है पैसा नहीं देगी तो तुम्हारा नाम से बच्चा का कभी नौकरी नहीं होगा और स्कूल में भी मतलब कुछ बनना चाहेगा तो कभी नहीं बन सकता है। उसका लाल दागी लग जाएगा तो कभी नहीं मतलब तुम लोग का कुछ होगा भविष्य में। लाल ये ओडी भी लगेगा और राशन कार्ड भी कभी नहीं मिलेगा। राशन कार्ड के अनुसार से कुछ भी नहीं मिलेगा। आधार कार्ड भी बंद कर देंगे। हम लोग कुछ पता नहीं था, एक दूसरे को कुछ नहीं था। अब हम लोग को पता चला, एजेंट हम लोग द्वारे पास गया इसके लिए पता चला, तब अनीता देवी के पास गए उसके बाद पता चला। मेरा साथ घटना घटी है कि हम लोग बहका बोला के धोखा से पैसा ले लिया सर, कि बेटी का अनीता देवी मनोज गुप्ता घर में आके हमसे गोड़ पड़ा कि सर हमको पैसा दे दो दीदी, हम भागेंगे नहीं, मेरा यहाँ सारा अपना जमीन, अपना घर, अपना डेकोरेशन है, मेरा दूधू का टेम्पू है, कहाँ भागेंगे, हमको दे दीजिए पैसा, बेटी को सगाई करना है। कहाँ से पैसा लाके हम कंपनी से पैसा उठाएं, जनलक्ष्मी से, उज्जीवन कंपनी से, समस्ता से, और हमसे वो पैसा ले लिया। हम जानते नहीं थे ग्रुप में कि मतलब हम लोग इतना लेडीज़ का उपूर्वक बना रही है। कंपनी भी जाना था तो पहले ग्रुप से पैसा मिलता था सर। पहले सर बोलते थे कि 12 लेडीज़ का ग्रुप बनाइए तो ग्रुप से पैसा उठाते थे। हम ये कारोबार 10 साल से कर रहे हैं और 10 साल से करते करते ये एक एक व्यक्ति को पैसा उठा उठा करके रखने लगी और एक हम लोग एक दूसरे से मिले नहीं, ऐसे ऐसे में सबको बुर्बक बना के घर घर से ले जाके ले ली। कितना महिला को ठगा है? 100 महिला को ऐसे बुर्बक बना के ठगी है। और थाना में बड़ा बाबू 2 बार पकड़े, 2 बार में कोई केस, लेडीज लोग चलाक, हम लोग नहीं थे सर तब ना दे दिए, चलाक रहते तो उसको पलन पड़वे नहीं करते, जब बुर्बक देता ना उसको देख के। और आज हम लोग केस के लाइन पर आ गए हैं। सब उसी को मनोज सबका पति बनकर साइन करता था सर। वहाँ कुछ कंपनी भी मिला हुआ था, जब एक ही आदमी साइन कर रहा है तीनों चारों कंपनी में, तो सर क्यों नहीं बात को क्वेश्चन करते थे कि तुम सबको काहे लोन भरता है। सर से एक बारी बात हम पूछे थे कि सर मनोज भैया साइन करते हैं अब आप दे देते हैं हम लोग का, तो बोलते थे कि लोन करता आदमी है, ये खुद कहते हैं कि हम लीज
रिस्क ले रहा है, कहाँ ही भागेगा सर, हम बोलेंगे लेडीज भाग जाएगा क्या, तो सर क्या है नाम था, सर का नाम उन लोग चेंज होते रहता है सर। क्या आश्वासन मिला आपको कंपनी से? अभी तो एजेंट आते होंगे, पैसे एजेंट आते हैं। क्या बोला एजेंट, क्या बोला? एजेंट बोलते हैं कि हम तो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स था तो हम आपको पैसा लेंगे, आपको खाता में पैसा आया है, आपको एटीएम दिए हैं। सारा मेरा चीज वो जरूरत करके रख ली थी। एक बार जो बोले थे कि मेरा आधार कार्ड नहीं है, मेरा पति का आधार कार्ड नहीं है, दीदी मेरा पास है जरूसवा ले लेते हैं। पहले ही से निकाल के रखे क्या? कम से कम 1 करोड़ रुपया लेके भाग गए। और हाथ का कर्जा जो ली है, कोई से 1.5 लाख, कोई से 3 लाख, वो अलग है। और खाली लोन करता हम लोग इतना किस करने आए हैं?